ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आइए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। अव्यक्त बाप दादा का साकार माध्यम आदरणीय गुलजार दादी जी ने ईश्वरीय सेवाओं से जुड़े बहुत गहरे राज खोले। ये रहस्यमयी बातें शायद हमारे पुरुषार्थ में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। तो चलिए सुनिए दादी जी ने क्या बताया। जब दादी जी से पूछा गया कि दादी आपका ध्यान दीदार का पार्ट अचानक खुला या कोई डायरेक्शन मिला, तो दादी जी ने कहा, जब मैं यज्ञ में आई तो मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। शुरू के 6 वर्ष तक मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर एक दिन ब्रह्मा बाबा ने हमें मौन में रहने की प्रेरणा दी, तो 8 दिन मैं और मेरे साथ एक बहन मौन में बैठती थी। तो एक दिन हम मौन में बैठे बैठे गुम हो गई और मैंने सूक्ष्म वतन और ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया। जैसे मैं नीचे आई तो मेरे साथ जो बहन बैठी थी वो बहन मुझे मम्मा के पास लेकर गई। तो मम्मा ने मुझे पूछा, आपने क्या देखा? मैं छोटी होने के कारण मम्मा को कुछ समझा नहीं सकी, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा वो मैंने बताने की कोशिश की। तो सूक्ष्म वतन वो वतन था जहाँ हजारों सूर्य की चांदनी चांदी जैसे चमकने वाली लाइट उस वतन में थी, और उस लाइट में मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा मुझे इशारे से बुला रहे थे, आओ बच्ची आओ। लेकिन मुझे संकोच हो रहा था कि यहाँ ब्रह्मा बाबा कैसे। तो उस लाइट के शरीर में बहुत सुंदर फीचर ब्रह्मा बाबा के दिखाई दे रहे थे। तो मम्मा के कहने पर ये दृश्य मैंने बाबा को भी सुनाया, लेकिन ये बात बाबा को स्पष्ट नहीं हुई। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, इसमें कुछ गुह्य राज छिपा हुआ है। इस बच्ची को शांत वातावरण और एक बहन गाइड के रूप में देना जरूरी है। फिर मुझे कुछ दिन बाबा भवन में रखा गया जहां बाबा रहते थे। तो हर रोज मैं नियम प्रमाण ध्यान में जाती थी, तो ब्रिज इंदिरा दादी मुझे कुछ एक प्रश्न देकर भेजती थी कि ये प्रश्न पूछ कर आना। तो मैं वो प्रश्न पूछ कर भी आती थी। तो बाद में यह बात स्पष्ट हुई कि वो सूक्ष्म वतन था और वो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप था। उसके बाद मेरा ध्यान का पाठ शुरू हुआ और बाबा ने मुझे संदेश पुत्री का नाम भी दिया। फिर दादी जी से पूछा, दादी जी जब आप ध्यान में जाते हैं और संदेश लेकर आते हैं तो वह पार्ट कैसे चलता है? दादी जी ने बताया, जैसे योग में बैठते हैं वैसे मैं योग में बैठती हूँ। मन में ये संकल्प होता है कि बाबा मुझे बुलाएगा, तो मैं धीरे धीरे गुम हो जाती हूँ और जो सामने दृश्य होता है वह दृश्य भी दूर दूर होता जाता है और एकदम फिर गुम हो जाती हूँ। कई बार मैंने अनुभव किया कि मैं बादलों को क्रॉस करके जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी अनुभव किया कि मैं सीधे सीधे सूक्ष्म वतन में पहुँच गई हूँ। वहाँ जाकर बाबा और मैं सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं और बाबा मुझे जो दृश्य दिखाते हैं, जो बातें मेरे साथ करते हैं, मुझे वो बहुत प्रैक्टिकल अनुभव होती है। जो बाबा मुझे बताते हैं, दृश्य दिखाते हैं, वो मैं आकर बताती हूँ। अगला प्रश्न, दादी जी जब डायमंड हॉल में बाबा मिलन होता है और हजारों भाई बहने मिलन मनाने के लिए बैठे होते हैं, तो उस समय आपके अंदर अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता कैसे होती है? दादी जी ने उत्तर दिया, जैसे ध्यान में मैं जाने के लिए बैठती हूँ और सूक्ष्म वतन में जाती हूँ, ऐसे ही सूक्ष्म वतन में जाना होता है। और जब मैं सूक्ष्म वतन में जाती हूँ, बाबा से मुलाकात करती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब बाबा की प्रवेशता मेरे तन में होती है तो जैसे क्लोरोफॉर्म देते हैं, तो शरीर में आत्मा होते भी क्लोरोफॉर्म के नशे से क्या हुआ यह पता नहीं चलता है।
तो ऐसे बाबा की प्रवेशता होने के बाद बाबा मेरे स्मृति के स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं और मैं अपने देह के भान से परे हो जाती हूँ। बाबा ने मेरे तन के द्वारा कितनी सेवा की इसका भी मुझे भान नहीं रहता है। मैं अपने को स्वीट साइलेंस में अनुभव करती हूँ। जब बाबा यहाँ से जाते हैं, बाबा मुझे सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके मुझसे मुलाकात करते हैं और मुझे छुट्टी देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं स्वीट साइलेंस की स्टेज से आई हूँ, जिससे मैं एकदम फ्रेश स्वयं को अनुभव करती हूँ। लास्ट प्रश्न, दादी जी, क्या आपके तन में बाप दादा की प्रवेशता होने से आपको अपने पुरुषार्थ में भी कोई मदद मिलती है? दादी जी सुनाते हैं, बाबा की प्रवेशता से बाबा का प्रभाव मेरी स्थिति पर जरूर पड़ता है, लेकिन मेरा संस्कार सदा निरसंकल्प रहने का बना हुआ है, इसलिए लंबे समय तक अव्यक्त स्थिति अर्थात देह के भान से परे डबल लाइट की स्थिति रहती है, जिससे ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त स्थिति की और अथक सेवा करने की मेरी विशेषता नेचुरल हो गई और लंबे समय तक अशरीरी स्थिति का अभ्यास होने से ब्रह्मा बाप समान मेरी स्थिति बनती गई। इसके कारण पावरफुल स्थिति बनाने का अनुभव, हल्केपन का अनुभव और फरिश्ता स्थिति का अनुभव ये मेरा स्वाभाविक सा बनता गया। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करें।